छोटा पापलेट क्या रेट है इसका? 700 रुपए किलो। 700 रुपए किलो। वो छोटा झींगा है उसके क्या रेट है? 600। ये रामस है, इंडियन सैल्मन बोलते हैं। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, बोई फराइस की क्या रेट है? 500 रुपए किलो। क्या रही है? ये 700 रुपए किलो। सबसे महंगी मछली जो मेरे पास है वो व्हाइट पापलेट है। व्हाइट पापलेट है, और क्या रेट है उसका? व्हाइट पापलेट जो सर वो 1500 रुपए किलो है, किलो में 5 दाने। अच्छा, सबसे सस्ती वाली जो मछली है वो कौन सी है? सबसे सस्ती मछली जो इस वक्त समंदरी मछलियों में खग्गा मछली कहलाती है, वो इस वक्त मेरे पास है नहीं। आपके पास वो 300 रुपए किलो तक। देखिए, हाथ मैंने डंबल पकड़ता हूँ और बाइसेप लगाता हूँ जिम में, और अभी इस वक्त मेरा बाइसेप और ट्राइसेप दोनों बन रहे हैं पाकिस्तान टीवी की इस वीडियो के तवस्सुत से। और आपको पता है कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अपने सामने हीरा रेड स्नैपर, उसकी बड़ी आप ये देख रहे हैं कि ये कुकड़ मछली है। कुकड़ मैं तकरीबन 15 साल से यहीं आ रहा हूँ माशाल्लाह, और मैं हमेशा यहीं सलमान साहब की। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट आयदा शाह, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, सर्दियों की आमद है और अक्टूबर का बिल्कुल वस्त आ चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान टीवी आपको मछली और सी फूड के नए प्राइजेस से आरास्ता ना करे। तो जब तक मैं आपके साथ हूं, तो मैं आपको सी फूड्स की जो नई प्राइस है उससे आरास्ता करता रहूँगा। और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान बल्कि कराची की सबसे पुरानी मछली मार्केट मूसा कॉलोनी में, जो कि बहुत मशहूर है अपनी मछली के नित नए रेट्स के हवाले से, मछली की इकसाम के हवाले से। और यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं मछली लेने के लिए, ना सिर्फ मछली बल्कि अनबाव अकसाम की ऐसे सी फूड हैं कि जो आपने कहीं दूसरी मार्केट में देखे भी नहीं होंगे। तो आइए, देर किस बात की और देखते हैं। अच्छा भाई, आज हमारे साथ हैं एक भाई, और जो कि हमें जो मछली के रेट्स हैं उससे आरास्ता करेंगे और बताएंगे और आप तक ये रेट पहुंचेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान टीवी की तवस्सुत से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, मुझे बताइए कि मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, ये झींगे बड़े लॉबस्टर्स ऐसे ही है ना? प्राउन्स हैं ये। क्या रेट है इसके? 850। 850 रुपए किलो। ये पापलेट है मेरे ख्याल से? जी ये पापलेट है। क्या छोटा छोटा पापलेट है, क्या रेट है इसका? 700 रुपए किलो। 700 रुपए किलो। वो छोटा झींगा है उसके क्या रेट है? 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो वो छोटा वाला। अच्छा, ये कौन सी है? ये हीरा है, रेड स्नैपर के बच्चे। रेड स्नैपर के बच्चे हैं। क्या क्या किलो हैं ये? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। ये वाली कौन सी है? ये रामस है, इंडियन सैल्मन बोलते हैं इसको। इंडियन सैल्मन बोलते हैं इसको। अच्छा, रामस क्या है इसकी प्राइस? 550 रुपए किलो। 550 रुपए किलो। इस पे आते हैं फिर आगे। ये ब्लैक पापलेट है ये? जी। ब्लैक पापलेट की क्या है इसके रेट है? 700 रुपए किलो। 700 रुपए किलो माशाल्लाह। और ये कौन सी है? दंदिया है। दंदिया। दंदिया क्या रेट है? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। ये कौन सी मछली है? इसे बोई बोलते हैं, फरा बोलते हैं। बोई फरा। जी ओके। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं बोई और फरा, इसकी क्या रेट है? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। ये हमारे पास कौन सी है? ये थैला रोहू। भेला? थैला। थैला रोहू। अच्छा, थैला रोहू है। जी। रोहू की दूसरी इकसाम है। जी। ये किस्म है? ठीक है, दूसरी इकसाम है। और क्या रेट है इसके? इसके आपके 500 रुपए किलो है। 500 रुपए किलो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सी है मछली? खोपरा है। खोखरा। स्नैपर टाइप की लग रही है थोड़ी। स्नैपर की नस्ल में? नस्ल में से है बिल्कुल ना वो उसकी। तो ये क्या किलो जा रही है? ये 700 रुपए किलो। 700 रुपए किलो। ओके। ये बड़े वाले लॉबस्टर्स हैं क्या है? ये प्राउन्स है। प्राउन्स हैं। ये बड़े प्राउन्स किस तरह है? 1300 रुपए किलो। 1300 रुपए किलो। सर्दियों में ये किस तरह के प्राइस हो जाएंगे इसके आगे बढ़ के? सर्दियों में मैक्सिमम 3 किलो में 250 से 300 इजाफा होगा। जी ये सब जो आप बता रहे हैं इसमें इजाफा होगा। जी देखा नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि ये जो सर्दियाँ जैसे ही आएंगी 15 अक्टूबर के बाद, तो इसमें और इजाफा होगा 300-250 रुपए का, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान टीवी के जो होस्ट हैं ये आपके साथ हैं, इसके डायरेक्टर आपके साथ हैं, इसके मेकर्स आपके साथ हैं, आपको परेशान नहीं होना। पाकिस्तान टीवी को आपने देखना है और नए लेटेस्ट रेट से आपने आरास्ता होना है यार, बस इतना सा काम तो करना है आपने। चले आए, आगे आए। अच्छा सलमान, पीछे तो आपने काफ़ी सारी मछलियों के रेट्स मुझे बताए माशाल्लाह से, लेकिन आप मुख्तसरन ये आप मुझे बता दें कि सबसे महंगी मछली कौन सी है आपके पास और सबसे सस्ती मछली कौन सी है और उसके रेट्स क्या हैं? सबसे महंगी मछली जो मेरे पास है वो व्हाइट पापलेट है। व्हाइट पापलेट है, और क्या रेट है उसका? व्हाइट पापलेट जो सर वो 1500 रुपए किलो है, किलो में 5 दाने। और वो यहाँ पे कहाँ है? वो रखी हुई है। अच्छा, अच्छा हमने वो बना ली है। अच्छा, सबसे सस्ती वाली जो मछली है वो कौन सी है? सबसे सस्ती मछली जो इस वक्त समंदरी मछलियों में खग्गा मछली कहलाती है, वो इस वक्त मेरे पास है नहीं। आपके पास वो 300 रुपए किलो तक। लेकिन अंदाजा उसका रेट ऐसे ही है? 300 बताया आपने अभी, 300 है, वरना सर्दियों में वो 450 भी हो जाती तक हो जाती है। जी सही है। तो मैं उठा रहा हूँ।
क्यों पकड़े? नीचे से पकड़े, नीचे। तो नाजीन आपने देखा कि वाइट कुंड मैंने पकड़ी हुई है। मेरा हाथ, मैंने डंबल पकड़ता हूँ और बाइसेप लगाता हूँ जिम में, और अभी इस वक्त मेरा बाइसेप और ट्राइसेप दोनों बन रहे हैं पाकिस्तान टीवी की इस वीडियो के तवज्जो से। और आपको पता है कि वीडियो का फ़ायदा ये भी है कि अक्सर मेरे जिम एक्सरसाइज भी हो जाती है भाई, सही है। तो आप देख सकते हैं कि मछली इतनी वजनी है, कितना वजनी तो मैं भी नहीं हूँ, लगता है एक नहीं दो बच्चे पकड़े हुए हैं मैंने। तो माशाल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया इसका। और आपने देखा नाज़रीन के आप पाकिस्तान टीवी के तवज्जो से नित नए मछलियों के रेट से आरास्ता हो रहे हैं। हाँ जी, कौन से फिश है ये? हीरा फिश है। अच्छा, रेड स्नैपर बोलते हैं, बड़ी किस्म है उसकी। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अपने सामने हीरा रेड स्नैपर, उसकी बड़ी किस्म आप देख रहे हैं क्योंकि वाकई ताज़े लग रहे हैं। इसकी गाल फेफड़े दिखाएं ज़रा, यहाँ से साइड से दिखाएं, ताजगी की निशानी देखिए। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं पाकिस्तान टीवी के तवज्जो से, पाकिस्तान टीवी के पर्दे पे आप देख रहे हैं इस वक्त कि आपको कितने फ्रेश माल यहाँ पे मूसा कॉलोनी में मिल रहा है, और ये तमाम चीज़ें आपको मिल सकती हैं। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि ये कुकड़ मछली है, कुकड़ मछली ये आप देख रहे हैं सामने, जहाँ मेरे फिंगर पॉइंटेड हुआ है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये कुंद है और हीरा मछली है। नाज़रीन, आवाम का बहुत रश है इधर, तो मैंने सोचा एक भाईजान है उनको मैंने पकड़ लिया, और मैंने कहा कि उनसे पूछते हैं, वो यहाँ पे मछली लेने आए हैं, और उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी मछली लेने आए हैं और उनको यहाँ पे रेट किस तरह के पड़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम क्या है? आफाक अहमद। आफाक भाई, ये बताएं कि आप यहाँ पे मछली लेने आए हैं? बिल्कुल, ये सवाल तो मैं करूँगा आपसे, लेकिन ये बताइए कि कौन सी मछली आप लेने आए यहाँ पे? जी मैं यहाँ से धोतर ले आता हूँ, हीरा ले आता हूँ और झींगे प्रॉन। अच्छा, ये रेट आपको मुनासिब लग रहे हैं या थोड़े महंगे हैं? नहीं, ये इस वक्त तो मुनासिब है, अल्लाह का शुक्र है। धोतर आपको कितने की पड़ी है? धोतर मुझे पड़ी है 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो पड़ी है, सही। और रोहू? रोहू मैंने नहीं ली, और मैं पापलेट लेता हूँ, पापलेट जो है 900 रुपये 1000 रुपये पड़ती है। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छी धोतर है और हीरा है इस मार्केट का। अच्छा, इस मार्केट आके आपका तजर्बा क्या है? आपके गुज़िश्ता कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं तकरीबन 15 साल से यहीं आ रहा हूँ माशाल्लाह, और मैं हमेशा यहीं सलमान साहब की दुकान से ही लेता हूँ, और ये बहुत ताज़ी और बिल्कुल फ्रेश माल देते हैं। अच्छा, ये इनकी खूबी है कि कभी इनसे कोई शिकायत नहीं हुई, रेट भी मुनासिब है, ऊपर नीचे कर लेते हैं, मान भी जाते हैं। सही। तो देखा आपने लोगों की राय क्या है, इसी तरह लोगों की और आवाम की और राय पूछते हैं और साथ ही साथ रेट पूछते हैं। चले आप इस फन राइड में मेरे साथ आ जाइए। तो नाज़रीन, आपने सलमान भाई जो हैं उनकी दुकान की तमाम इकसाम की जो मछलियां हैं उसको बखूबी आपने जायज़ा ले लिया होगा, वीडियो को रोक के भी देखा होगा, वीडियो को रिवर्स करके भी देखा होगा, सीख बार आगे बढ़ा के भी देखा होगा। लेकिन अब हम आपको ये खुशखबरी देने वाले हैं कि सलमान भाई हमारे तवस्सुत से आपके घर में होम डिलीवरी भी कर देंगे, और सलमान भाई अपना नंबर आपको बता रहे हैं जो कि स्क्रीन पर भी दर्ज होगा। जी सलमान भाई, अपना नंबर बता दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन आपसे रब्ता करके मछली खरीद लें। हमारा नंबर है 0334-334-8699, ये डिलीवरी चार्ज होम डिलीवरी भी नंबर है, इसी नंबर पर आप रब्ता करके होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। क्या इस नंबर पर हमारे नाज़रीन आपको व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जी, ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, सिम पर भी है, दोनों। अच्छा, पर देखा आपने नाज़रीन, तो पाकिस्तान टीवी से जुड़े रहने के इतने फ़ायदे हैं कि अगर आपने ये फ़ायदे ना हासिल किए तो समझिए आप पछताएँगे। तो मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान टीवी जैसा काम इस वक्त कोई नहीं कर रहा, और हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत आपके लाइक से, आपके कमेंट से ही असफल होगी। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना बेनता ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान फाइंदाबाद। रोहू मछली है, रोहू मछली लाल वाली है। अच्छा अच्छा, जो इसके नीचे ये येलो वाली कौन सी है? ये हटाएं परात हटाएं, ये येलो वाली कौन सी है? जी कैप्टन, कैप्टन नदिया, कैप्टन नदिया है ये, आप देख सकते हैं और से कैप्टन नदिया आज है बोरखा 13 अक्टूबर 2022। इंशाल्लाह आपको आज ये वीडियो मौसूल हो जाएगी यूट्यूब पे। पाकिस्तान टीवी को आपने लाइक करना है, लाइक करवाना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करवाना है, और बेल आइकन को आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली नई हिट आपको ऐसे करने से मिल जाए।
है।